हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आप को कोविड से सुरक्षित रख रहे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी का चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी। सो आज मैं आपके साथ आई हूँ मीशो का एक सामान लेकर, मीशो की एक साड़ी लेकर। मीशो से मैंने बाय किया, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है और उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इज दिस रेनी का, दिस इज़ अ वेरी न्यू ब्रांड रेनी, और इस ब्रांड का मैंने बाय किया है ग्लास ग्लो, दिस इज प्री मेकअप ऑयल। और इसको लगाने के बाद ना चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में चेहरा। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 ml की है। मुझे ये आई थिंक 360 या 350 रुपीज़ का पड़ा था, वट एवर इट इज़। मैं आपको लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बार में और कमेंट सेक्शन में। तो इफ़ यू आर अ मेकअप फ्रीक और आपको लगता है कि मेकअप करने से पहले आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोई होनी चाहिए, तो यू मस्ट गो विद दिस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब ये दो तीन दिन से मैं लगा रही हूँ, आज भी मैं लगा कर आई हूँ। तो आज मैंने सिर्फ ये लगाया है और कॉम्पैक्ट यूज़ किया है मैंने किट प्ले का, जो मैंने अभी माई ग्लैम से ऑर्डर किया था। तो इट इज़ अ परफेक्ट, लाइक ना जो आपको एक ग्लो चाहिए होता है पार्टी के लिए, उस तरीके का ग्लो है। आप मेरे चेहरे पर भी अभी देख सकते हो, जो मैंने यूज़ किया है वो यही यूज़ किया है मैंने, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। सो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। और इसका लिंक, बाइंग लिंक, ये सारे ही साइट्स पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे सर्च करने पे। मेरा जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बार और कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये साड़ी अच्छी लग रही है तो दिस इज़ ऑल्सो मीशो परचेज। सैटिन की साड़ी है, प्रिंटेड, बहुत बेहतरीन साड़ी है। इसके एक दो पिक्स मैं यहाँ लगा दूँगी, हालाँकि इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर आ गया है, तो उसका भी लिंक मैं ऐड कर दूँगी ताकि आपको पता लगे। उस टाइम पर जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था, उस टाइम पर इसका ब्लाउज़ नहीं था, इसके साथ आया था इस कलर का ब्लाउज़, तो आज ये स्टिच होकर आ गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी पहन लूँ और साड़ी का भी रिव्यू हो जाएगा। सो आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहरिया साड़ी। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हैवी साड़ीज़ आप नहीं वेयर कर सकते, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं कुछ सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरीके की साड़ियाँ लूँगी जो बहुत सॉफ्ट है, साड़ी का साड़ी भी हो जाएगा पहनना, और समर्स के लिए परफेक्ट होता है। और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। मेरे पास इंडिगो कलर का कुछ भी नहीं था। लास्ट ईयर मैंने इंडिगो कलर का वन पीस लिया था, वो भी मैंने मीशो से बाय किया था, बट उसके बाद मुझे ना मेरे पास इस पैटर्न में कोई साड़ी भी नहीं है और इस पैटर्न का, इस कलर का, इंडिगो कलर का कोई कपड़ा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, कपड़े की जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है, बहुत सॉफ्ट है कपड़ा, और ये इस तरीके से स्टिच्ड आया है क्योंकि नया कपड़ा है, तो इस तरीके से रस्सी लगी हुई है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये इसका प्लेन ये ब्लाउज़ पीस है, ये जो आई है इस तरीके से, ये ब्लाउज़ आया हुआ है, और पूरे के पूरे बॉडी में आप देखोगे तो इस तरीके से ब्लू एंड वाइट का, बिकॉज लहरिया प्रिंट में इसी तरीके का कपड़ा आता है। तो ये पूरी की पूरी साड़ी एक सार सी है, बट पहनने पे ना ये साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी मानो, मेरी मान के आप प्लीज़ इसे परचेज करना, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। सो इस साड़ी को थोड़ा सा ट्रेंडिंग बनाने के लिए मैंने लिया है इस तरीके का एक लेस। ये मैंने बाय किया अमेजन से, इसका भी लिंक मैं लगा दूँगी। ऐसे बहुत सारे लेस है, बट मुझे ना ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगा। अगर ये आपकी पूरी साड़ी में लग जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। वैसे सिंपल में भी ये साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन इसको लगाने के बाद इसका थोड़ा सा और लुक ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ये है 18 मीटर का लेस, तो ये भी आप परचेस कर सकते हो अगर आपको इसके साथ लगाना है, या फिर अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आप सिंपली भी इसे पहन सकते हो, तो ये भी वैसे भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो ये थी मेरी दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इसे भी काउंट कर लेते हैं, तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। रेनी का जो प्राइमर प्री मेकअप ऑयल है ग्लास ग्लो वाला, वो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बेहतरीन है। वो मैं अपनी सिस्टर को भी करने वाली हूँ कि आप भी ले लो करके, मैं उसको भी बोलने वाली हूँ, तो आप सबको भी इसलिए बोल रही हूँ कि आप सब भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन उसका ना बहुत अच्छा आता है लुक मेकअप करने के बाद। मैंने जितना मेकअप तो किया नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा सा लग रहा है देखने में। सो ये थी मेरे पास आपको दिखाने के लिए तीन ऐसी चीज़ें। ये जो साड़ी है ना, लहरिया वाली जो साड़ी, ये एक मस्ट बाय साड़ी है फॉर द समर्स। इफ़ यू आर अ साड़ी लवर्स और आपको लगता है कि साड़ी पहनना सबसे अच्छा लगता है ना, तो आपके पास ये वाली साड़ी एक होनी ही चाहिए। सो वाइंडिंग ऑफ माई ब्लॉग हियर, आशा करती हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।